हर हर सोहम, हर हर सोहम, सतनाम सतनाम हर जियो। सर्व कला संपूर्ण जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आप सभी को जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से। आप हमेशा खुश रहें, आपकी हमेशा मंगल कामनाएं पूर्ण होती रहे, सतगुरु महाराज जी आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहें। तो आज की अमृतवाणी का शब्द जो हमने लिया है, तुम चंदन हम इरंड बापरे, सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी का शब्द। तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊच बहे है, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संग सरणी तुम्हारी, हम औगन तुम उपकारी, रहाओ हम तो मखतूल सुवेद स्पियल, हम बापरे रस जस कीरा, सत्संगत मिली रही हो माधो जैसे मधुमखीरा। जाती ओछा पाती ओछा, ओछा ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव नकीनी, कह रविदास चमारा। सतगुरु रविदास महाराज जी जीवों को सत्संग में मधुमक्खियों की तरह मिलकर रहने का पावन उपदेश देते हैं। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर रहें एक दूसरे के साथ, ऐसे रहें जैसे मधुमक्खियों का झुंड एक तरह बनकर रहता है। वैसे सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि प्यार से सत्कार से एक दूसरे के साथ हमेशा निभाते रहें। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊच भय है, गंध सुगंध निवासा। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप संसार में चंदन की भांति श्रेष्ठ हो। हम संसारिक जीव विकारों के कारण इरंड की तरह गुणहीन है, पर जैसे चंदन के पास इरंड का वास होता है, ऐसे ही प्रभु जी हमारा वास आपके पास है। जैसे चंदन के पास रहने से इरंड में भी चंदन जैसी सुगंधित आ जाती है, और नीच कहाँ जाने वाला इरंड चंदन जैसा ही उत्तम बन जाता है। इसी प्रकार ही प्रभु जी, आप जी की संगत करने से हम आप ही के रूप हो जाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि चंदन सर्वश्रेष्ठ है, चंदन से बढ़कर सुगंधि देने वाला गुणकारी और कुछ भी नहीं है। हम वैसे ही इरंड की तरह गुणहीन हैं, हम में कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर प्रभु की संगति में हम रहेंगे तो हम भी चंदन की भांति मूल्यवान हो जाएंगे उस प्रभु की नज़रों में। सतगुरु महाराज जी आगे कहते हैं, कबीर महाराज जी वर्णन करते हैं, चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो डाक पलास, ओई भी चंदन होई रहे, वसे जू चंदन पास। इसी संबंध में सतगुरु रामदास जी भी वर्णन करते हैं, बार 18 माह चंदन उत्तम, चंदन की सम चंदन हुई हो। इसी प्रकार से जीव संसार में आकर प्रभु का नाम सिमरन करता है, संत महापुरुषों की संगत करता है, वह इस संसार में उत्तम बन जाता है। माधो सत्संगत सरणी तुम्हारी, हम औगुण तुम उपकारी, हाओ हे प्रभु जी, आप की शरण ही सत्संग है। इस संसारिक जीव अवगुणों से भरे हुए हैं, पर आप परोपकारी हो और जीवों पर दया कर उनके अवगुण बख्शने वाले हैं। सतगुरु कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, जिनको कृपा करत है गोविंद ते सत्संग मिलात। जिस जीव पर प्रभु की कृपा होती है उसको ही सत्संगत प्राप्त होती है। तुम मखतूल सुवेद सपियल, हम बापरे जिस कीरा, साध संगत मिली रहे यो माधवे जैसे मधुमखीरा।
सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप सफेद पीले रेशम की भांति हो, हम अवगुणों से भरे हुए कीड़े हैं। इस संसार हम संसारिक जीव विकारों के कारण कीड़ों की तरह निकम्मे हैं, पर आप हम पर कृपा करो। आप हम आपकी ही संगत में ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियां मधु के छत्ते में मिलकर रहती हैं। मधुमक्खी अपने हाकिम के आदेश के पाबंद हैं, हिम्मत और मेहनत में प्रतिपक्व हैं, अधिकार छीनने वाले को मिटा देती हैं, विकारों का नाश कर मिठास पैदा करती हैं। आप कृपा करो कि हम भी आपकी संगत में इसी प्रकार मिलकर रहें। आगे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, चाती ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास चमारा। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि जीव की संगत मेल मिलाप और जीवन नीच है, और क्योंकि जीव के दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर प्रभु रूपी राजा का सिमरन नहीं किया जा सकता। सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार हमें वाणी में यही समझाते हैं कि आपसी प्यार और मेल के साथ जो जीव रहता है, जो प्राणी आपसी प्यार और मेल के साथ प्रभु की बंदगी करता है, साथ संगत में जाता है, उसका जन्म मरण सफल होता है। इसी तरह हम सबको भी उस प्रभु की उस इरंड बापरे जैसे सतगुरु महाराज जी ने बोला है, तो इरंड चंदन के साथ मिलकर रहता है तो उसमें भी सुगंधी आ जाती है, चंदन की ही बाती। इसी तरह हमें भी रहना है इस संसारिक दुनिया में, अगर हमें रहना है तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। तो इसी के साथ सतगुरु महाराज जी की अमृत वाणी को विराम देते हुए आपसे आगे लेती हूँ। सबको जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी।